बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वायरस ज़्यादा से ज़्यादा फैल रहा, चाइना, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया और अपने इंडिया में भी तकरीबन जगह पे पेशेंट्स आ रहे हैं उसके। और हांगकांग में, चाइना में तो पूरे लोग तकरीबन 90% लोग जो है अपने मकानों में है, फ्रूट इस्तेमाल कर रहे हैं और जो है मॉल में जा रहे हैं। मॉल में जो है बिस्किट्स, चिप्स, लाइट आइटम, जो भी ब्रेड, पेस्ट, खाने पीने की चीज़ जो है मॉलों से ले के जो है अपने मकानों पे तकरीबन जने रह रहे। रोडों पे तमाम पब्लिक नहीं है, खाली है, तमाम कामा बंद है, फैक्ट्रीज बंद है, लोग जो है खाली लाइट खाने के अपना जो है मॉलों में जा रहे, ले ले रहे और जो है मकानों पे चले आ रहे, मकानों पे रह रहे। हॉस्पिटल्स काफ़ी भरे हुए हैं, तकरीबन वायरस ये बहुत फैले हुआ है, पब्लिक रोड बाहर भी नहीं निकल रही। और जो है एक लेडी ये जो बाहर निकले उनको टैक्सी भी नहीं मिल रही, देख रहे आप, ये रोड पूरे खाली है। हांगकॉन्ग का है ये, तमाम जो है डॉक्टर्स लगे हुए हैं ये वायरस के ताल्लुक से। अंडा मच्छी और एक केंचुए, झींगे और ये सांप का जो मटन रहता वो मटन पे जो है वायरस फहरा बोल के बोलने का है डॉक्टर्स का, इससे वायरस जो है बढ़ा है, उससे आया, सांपों से, झींगों से, केंचुए जो एटमा खाते वो लोग चाइनीज़ लोग चाइना के, ये वायरस के ताल्लुक से जो है डॉक्टर्स लगे हुए हैं। और लंदन में भी जो है रिपोर्ट आई है, ये चेकिंग चल रही है इसकी, रिसर्च कर रहे हैं इसके ताल्लुक से। तेज़ी से फैल रहा है ये, तमाम जगहों पे देखने में आ रहा है वायरस, बढ़ते जा रहा है, इसका कंट्रोल नहीं हो रहा। आप लोगों से भी हमारी गुजारिश है, एहतियाती करिए, अपने आप को, अपने बच्चों को सेफ्टी में लाइए। और एहतियाती ज़रूरी है, मटन के ताल्लुक से, चिकन के ताल्लुक से, झींगों के ताल्लुक से परहेज करिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। न्यूज़ चैनल 9 चाइना, हांगकांग, लंदन।